Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with an equation. Determine the power factor of the entire circuit as seen by the source and calculate the average power delivered by the source. एक तो हमें power factor निकालना जो हमें यहाँ से जो source को देखेगा, ठीक है. Second हमें बताना कि average power वो कितने deliver करेगा ये source, ठीक है. तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जेड का एंगल होगा वही क्या होगा हमारा, जो थीटा वी माइनस थीटा आई होता है, ठीक है. तो जो जेड का एंगल निकाल लेंगे हम, पहले हमें जेड निकालना होगा, उसी से हम जेड का एंगल निकाल लेंगे. तो जेड निकालो सबसे पहले. जेड कैसे निकालेंगे, ये और ये पैरेलल में, उसके साथ सिक्स सीरीज में. तो सिक्स प्लस माइनस जे टू पैरेलल है फोर के, तो ये कितना आ गया, सिक्स प्लस माइनस जे टू इंटू फोर और माइनस जे टू प्लस फोर. तो जे कितना आ गया, ये यहां से टू मैंने ऊपर ले, टू यहां से कॉमन, टू से डिवाइड कर दिया, तो कितना बचेगा, माइनस जे फोर ऊपर और नीचे बचेगा कितना, टू माइनस जे. तो आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लो, माइनस जे फोर और टू प्लस जे, नीचे कितना आ जाएगा, टू माइनस जे और टू प्लस जे. जेड इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इधर माइनस जे एट और यहाँ पे जे स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा फोर अपॉन फोर प्लस वन फाइव. तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स माइनस जे वन पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट एट. तो z इक्वल्स टू कितना आ गया, 6.8 माइनस j 1.6, इतने ओम, ठीक है. इसको फेजर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, फेजर में चेंज करने पे 6.98 एट एन एंगल ऑफ माइनस 13.24 डिग्री. जो z का एंगल होता है वही क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर का एंगल हो जाएगा, ठीक है. तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos थीटा, यानी cos माइनस 13.24. तो ये कितना आ गया, 13. ये इसको सोल्व करेंगे 0.97. ये कैसा होगा, लैगिंग या लीडिंग, यहाँ पे ध्यान से देखो, लोड को देखो, यहाँ पे लोड है, किस टाइप का है ये, लोड इज कैपेसिटिव. लोड कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ठीक है. तो ये कैपेसिटिव लोड है, यहाँ पे लिखेंगे ये कैसा है, लीडिंग, क्यों, कैपेसिटिव लोड की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट हमें निकालना उसके लिए, यहाँ ये तो पावर फैक्टर आ गया जो यहाँ से होगा, ठीक है. फिर हम बताना हमें एवरेज पावर डिलीवर्ड. तो एवरेज पावर डिलीवर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, करंट. हम जेड निकाल चुके हैं तो आई कस टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन जेड. तो आई कस टू निकालो पहले, यानी 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो. जेड कितना आया, 6.98 एट एन एंगल ऑफ माइनस 13.24. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, I की वैल्यू आ चुकी है और V की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है. तो एवरेज पावर क्या होती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर कोस थीटा, ठीक है. वी आर एम एस हमें क्या दे रखा है, 30, ठीक है. तो यह 30 मल्टीप्लाई बाय 4.3 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू यानी पावर फैक्टर आया 0.97. तो एवरेज पावर कितना आ गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 125 वॉट, ठीक है. तो एवरेज पावर आ गई हमारी कितनी, डिलीवर्ड की जाएगी 124 वॉट. ये जो पावर होगी किसको डिलीवर्ड की जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है. एवरेज पावर निकालने तो रजिस्टर्ड पार्ट को ही डिलीवर्ड की जाती है. तो ये जो हमारा लोड है, ये तो कैपेसिटर हो गया, यानी इसके अक्रॉस कोई भी पावर नहीं जाएगी. एवरेज पावर जब निकालते हैं तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उनके अक्रॉस जीरो एवरेज पावर जाती है, ठीक है. जो सारी की सारी एवरेज पावर किसके अक्रॉस जाती है, रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं एवरेज पावर और पावर फैक्टर, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.